आज का टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यानी कि विसरण और परासरण। विसरण में हम देख रहे हैं कि जब एक से अधिक द्रव प्राकृतिक रूप से क्रियाशील होकर समांग मिश्रण का सृजन करते हैं, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। और ऑस्मोसिस यानी कि परासरण में हम देखते हैं दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, इसे हम परासरण कहते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डिफ्यूजन। जब भी हम कोई सेल से सेल का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं या इंटरसेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर कोई मटेरियल्स अंदर आता है तो नॉर्मली पैसिव तरीके से इन दोनों तरीके से ही आता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा है, एक पार्टिकल्स का ये नॉर्मल टेंडेंसी होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूव करना। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ पार्टिकल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा है, और दूसरे तरफ पार्टिकल्स जो है लो कंसंट्रेशन में है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम है। तो ऐसे में पार्टिकल्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज का एक टेंडेंसी रहता है ऊपर से नीचे जाने का, ठीक उसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि जहां भीड़ ज्यादा है वहां से भीड़ जहां कम है उस तरफ ही मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, आपरूपी मूवमेंट है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जो ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब किया गया था तो माना जाता था इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन बाद में हम लोग, क्योंकि उस समय वाटर को माना जाता था यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन बाद में हम लोग देखे कि बाकी सॉल्वेंट के ऊपर भी ये ऑस्मोसिस मूवमेंट जो है वो लागू है। तो सॉल्वेंट क्या है? जब हम सॉल्यूशन का बात करते हैं तो हम पाते हैं कि दो मटेरियल मिलके सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में है उसे हम सॉल्यूट कह रहे हैं और जो ज्यादा अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास वाटर में हम दो चम्मच चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी का अमाउंट कम है तो सॉल्यूट कौन हो गया? चीनी। और सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। तो ऐसे में अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं और हम पाते हैं कि दोनों में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो एक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन के रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन कौन? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन का, यानी कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन सेमी परमीएबल या सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन के बिना इनकम्प्लीट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, और इधर है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में हम देख रहे हैं सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा हो गया? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो गया जिधर हाइपोटोनिक है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर कम हुआ? जिधर हाइपरटोनिक है। तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा? अपना हाई कंसंट्रेशन से अपना लो कंसंट्रेशन के तरफ। तो यहाँ मूवमेंट किधर से किधर होगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसके थ्रू? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऐसा इंसिडेंट हम देखते हैं कि अगर हम एग लेते हैं या जिसमें सेल है उसको हम डी सेल कर देते हैं,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा के रखते हैं तो कुछ देर बाद उसका जो कैल्केरियस सेल है वो डिजोल्व हो जाता है, तो बचता है एक मेम्ब्रेनस कवर। और ऐसे मेम्ब्रेनस एक को अगर हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या सुगर में डुबा के रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं वो एक जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस हुआ और एक के अंदर से वाटर बाहर निकल गया, एक के अंदर हाइपोटोनिक था और एक के बाहर हाइपरटोनिक था, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक से निकल गया है। सेमी पर्मियबल मेम्ब्रेन कौन रहा, एक के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन था वो था सेमी पर्मियबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो बाहर निकल जा रहा है। ठीक, इसका उल्टा हम देखते हैं रेजीन या किसमिस, उसको अगर हम पानी में डुबाते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ देर बाद किसमिस फूल जाते हैं, तो इसमें पानी बाहर से अंदर आ रहा है। यहाँ सेमी पर्मियबल मेम्ब्रेन कौन है, किसमिस का जो मेम्ब्रेन है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो, तो यहाँ पानी अंदर आया, बाहर से अंदर आया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंडो ऑस्मोसिस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हम सेल्स को देखते हैं, कोई प्लांट सेल को अगर हम ले लेते हैं, प्लांट सेल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसके ऊपर हम कंसेंट्रेटेड सॉल्ट या सुगर सॉल्यूशन डालते हैं, तो यहाँ हमको एक और फेनोमेनन दिखाई देता है, एक और घटना दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो है वो कवर्ड बाय सेल वॉल, तो ये सिकुड़ने या फैलने नहीं दे रहा है सेल वॉल, लेकिन इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जा रहा है, वो सेल वॉल से थोड़ा थोड़ा हटके बीच में थोड़ा सिकुड़ जा रहा है। सेल का शेप वैसा ही रहा लेकिन साइटोप्लाज्म जो है बीच में श्रिंक कर गया। इस फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये रहा ऑस्मोसिस के बारे में।